सो टाइम ऑफ लाइट इज टी एफ इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी. नाउ नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज डिवाइडेड बाय एच एम. सो फ्रॉम द इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 0 माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर, 2 माइनस जी बाय एच एम. सो एच विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द फ्लाइट. नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ट्रेवलर प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट. सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. सो यू साइन यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 यू साइन थीटा बाय जी. सो इट इज यू स्क्वायर बाय जी, 2 यू साइन थीटा कॉस थीटा. सो इट विल बी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. सो दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. Now we will solve this numerical. A cricket ball is thrown. This is the uncertain numerical. Velocity is given by 28 meters per second. Theta is 30 degree. So we have to calculate maximum height. Maximum height by using this formula. Time taken by the flight is given by this formula. So this 10 meter and 2.9 meters is the answer of this question.